राज सिंह तो इतनी जल्दी आ नहीं सकता। तुम बच्चे को छुपा दो, मैं देखता हूं कौन है। कौन हो तुम? मिस्टर मनमोहन। राज सिंह ऑफिसर, जरा अपना राशन कार्ड दिखाइए। प्रीति, जरा राशन कार्ड लाना। तुम दोनों के अलावा इस घर में और भी कोई रहता है? हाँ, नहीं। और बच्चा? हेलो माती, तो हाथ तोड़ दूंगा। आप कहाँ जा रही है? कमान, बस बस। बच्चा कहाँ है? बताओ बच्चा कहाँ है? अंदर कमरे में। बस बस बस। कमान, ले जाओ उसे। कमान। डरो मत बंसी, डरो मत, मैं पुलिस का आदमी हूँ। आओ मेरे पास। नहीं। तुम्हारे दोस्त गुड्डू ने मुझे भेजा है। हाँ सच। सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। शाबाश शाबाश। चुप चुप। तुम लोग हेडक्वार्टर जाओ। Thank you.
सारा खेल चौपट हो जाएगा राज सिंह। निकल चल यहां से। बच्चे को भगा ले जाने की कोशिश बेकार साबित हुई। बच्चे को छुड़ा लिया गया है और अब वो हिफाजत से है। हरिदास चौधरी एक बड़े कारखाने के मालिक ने तबाही और गबन के इल्जाम की परवाह न करते हुए अपने ड्राइवर के लड़के को छुड़ाने के लिए 20 लाख रुपए की बड़ी रकम मुलजिमों के हवाले की। मुलजिमों का पीछा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रकम का अब तक पता नहीं चला। समाचार समाप्त हुए। अरे जरा ख्याल रखना, यहां कौन आएगा? क्या पता।
पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? कमान बताओ, नहीं तो हड्डी पसली कर दूंगा। कमान कमान। मुझे नहीं मालूम। बताओ। राज सिंह कौन है? राज सिंह, राज सिंह ले गया। कौन है राज सिंह? कमान बताओ। मैं सिर्फ उसकी शक्ल जानता हूँ। क्या मतलब? मैं सिर्फ जानता हूँ राज सिंह है। कमान कमान, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। सच्ची मुझे नहीं मालूम, सच्ची मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ जानता हूँ उसका नाम राज सिंह है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मनमोहन और प्रीति जो मुजरिम के साथी हैं, उन दोनों के बयान पर हमारे आर्टिस्ट ने यह तस्वीर बनाई। पर हैरानी की बात यह है कि वो दोनों इसके बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि इसका नाम राज सिंह है। ये कहां से आया, क्या करता है, कहां रहता है, ये अभी तक एक पहेली है। अंकल, लगता तो वही है, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? उसका रुमाल कहां है? रुमाल? हाँ। कौन सा रुमाल? वो जो अपने बाएं हाथ पर बांधता है। हमेशा बांधता है? हाँ। तुम जानते हो किस लिए बांधता? मैं बता सकता हूँ अमर जी। आप? हाँ। बंसी, जरा बाहर जाके खेलो बेटा, जाओ। इस आदमी का नाम राज सिंह है ना? जी हाँ, लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं? बड़ा खतरनाक आदमी है, थोड़ा सा पागल भी है। कुछ साल पहले ये मेरे फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन शराब के नशे में उसने फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की को पकड़ लिया और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैंने उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया, पर जाते जाते उसने कसम खाई थी एक न एक दिन वो मुझसे जरूर बदला लेगा। इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं आप? बस इतना ही कि उसके बाएं हाथ पे घाव का निशान है, इसलिए रुमाल। इस केस के अजीबोगरीब हालात को नजर में रखते हुए अदालत इस बात को नहीं मानती कि मुलजिम हरिदास चौधरी ने नेशनल शूज लिमिटेड से 20 लाख रुपए का गबन किया है। हाँ, यह बात जरूर है कि मुलजिम ने वो 20 लाख रुपए कंपनी से बतौर कर्ज के लिए है और वो उसे लौटाने के जिम्मेदार है। यह अदालत उन्हें 10 दिन की मोहलत देती है। अगर इस समय में वो नेशनल शूज लिमिटेड को सारी रकम नहीं अदा कर सके तो मुलजिम का मकान और सारी निजी जायदाद नीलाम करके रुपए वसूल किए जाएंगे। आओ इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर चौधरी, आओ बैठो। ये आपके लिए कुछ चिट्ठियां हैं जो हमारे हेडक्वार्टर्स में आई हैं। मैं तो समझा था मेरे लिए वारंट लेकर आए हो। ये सारे खत किसके हैं? ये प्यार और इज्जत के फूल हैं मिसेस चौधरी, जो अनजान लोगों ने मिस्टर चौधरी के नाम भेजे हैं। बेटा सुनो, यही तो सिर्फ धन दौलत, और मिला तो ढेर सारा प्यार। आदमी इसी घड़ी के लिए तो जिंदा रहता है, लेकिन एक आदमी बहुत खुश होगा। कौन है वो? इन्हीं के पेशे का है जी। वो आदमी गीता से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। चौधरी साहब, वो आदमी इन हजारों आदमियों की तरह आपकी बहुत इज्जत करता है। तुम जानते हो उसे? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। उसने शायद मेरे बारे में आपको बताया होगा। जी हाँ। नाम क्या है उसका? सीआईडी इंस्पेक्टर अमरनाथ गिल। अमरनाथ? सजाक, 3 दिनों से शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस ने पहरा लगाया हुआ है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। मुलजिम का हुलिया सबको बताया जा चुका है, फिर भी अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन हम लोग उसका हुलिया अखबारों में क्यों नहीं छपा देते? इसलिए रजाक, अगर मुलजिम को यह पता चल जाए कि पुलिस उसका हुलिया जान चुकी है तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अपने बचाव के लिए वो न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ले ले, इसलिए उसके साथ हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अमर? फिलहाल प्रेस को बुलाकर उस बैग की जानकारी देते हैं जिसमें मुलजिम तक रकम पहुंचाई गई है। यह वही बैग है जो हरिदास चौधरी ने मुझे दिया है। Thank you.
व्हाट कैन आई डू फॉर यू मिस्टर शर्मा? सर मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। अपना कीमती वक्त क्यों जाया कर रहे हो? ये सच है सर, न केवल मैं बल्कि नेशनल शूज के सभी डायरेक्टर्स को अपनी गलती का एहसास है और वो इसका बदला चुकाना चाहते हैं। अच्छा? जी हाँ, वो आपको नेशनल शूज का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। ओ, मुझे क्या करना होगा? इसका सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि आपको कुछ नहीं करना होगा। दूसरे लफ्जों में तुम और तुम्हारे डायरेक्टरों को एक कठपुतली चाहिए ना? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं मिस्टर अनिल शर्मा। तुम्हें हरिदास चौधरी नहीं बल्कि वो आदमी चाहिए जिसके लोग बन गा रहे हैं, जो मान जो इज्जत मुझे मिल रही है उसका सौदा करना चाहते हो। मिस्टर अनिल शर्मा, अपना यह कीमती ऑफर अपने डायरेक्टरों को लौटा दो, समझे? मैंने तो सोचा था आपको होश आ गया होगा, ये उसूलों का भूत आपके सर से उतर गया होगा, लेकिन नहीं। हरिदास चौधरी, अब आप पाई पाई को तरसें। गेट आउट। हम आपके मकान की एक एक ईंट नीलाम करके छोड़ेंगे। गेट आउट। गेट आउट आई से। आप बैठे रहिए, नीलाम होने तक आप शौक से ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। रो मत भाभी, अच्छे दिन देखे हैं तो बुरे दिन भी निकल जाएंगे। सोनू, मैं तो वैसे भी इन पुरानी चीजों से तंग आ गया था। मर्दों के लिए मकान ही सही, हम लोगों के लिए घर है। यहाँ हमारी सारी जिंदगी गुजरती है, आज एक एक चीज पराई हो गई हमारे लिए। काश मैं आपका पैसा भी वापस ला सकता। अच्छा अमर, परसों नीलाम है, अच्छा होगा अगर तुम भी आओगे। पापा, ये देखो पीला धुआं। सलाम साहब, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? कोई 25 साल से। मैंने, मेरा मतलब था आज सुबह कितने बजे आए? आज सुबह 7 बजे। अच्छा सुनो, तुमने आज कोई लाल पीला चमड़े का बैग भट्टी में डाला है? जी क्या कहा साहब? तुमने कोई लाल पीला चमड़े का बैग भट्टी में डाला है? जी हाँ साहब। वो बैग तुमको किसने लाके दिया? जी मैं कुछ समझा नहीं साहब। जो बैग तुमने भट्टी में डाला वो तुम्हें कहाँ से मिला? जी वो आज सुबह मुझे कचरे में मिला था, फटा हुआ था, मैंने उसे उठाकर भट्टी में डाल दिया। अच्छा ठीक है जी। अच्छा सर, आपका मतलब है कि मुजरिम आपको मिल गया? मिला तो नहीं लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि ये तो आप पहले भी कई बार कह चुके हैं। अब की बार जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हमें उसका पता चल गया है। जिस जगह मुजरिम ने बैग जलाया था वो जगह हमने ढूंढ ली है। जगह पे हमें बैग के जले हुए टुकड़े, कुछ निशान और कुछ क्लूज मिले हैं। क्या है वो क्लूज? इनके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा और आप इसे छापिए कि उन क्लूज के सहारे हम बहुत जल्द मुजरिम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। That's all. तो क्या आप उस जगह का नाम? No more questions, please. देखिए आप मुझे, मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता, प्लीज। ओके फाइन। अमर, ये नए क्लूज क्या? तुमने हमें बताया नहीं? इसलिए नहीं बताए क्योंकि मैं भी नहीं जानता। क्या मतलब? एक चाल चल रहा हूं यादव, मुजरिम इस वक्त चूहे की तरह अपने बिल में छुपा हुआ है। हो सकता है अखबारों में हमारा बयान पढ़कर
वो अपने बिल से निकल आए और कोई गलती करे। नहीं इंस्पेक्टर अमरनाथ गिल, इतनी आसानी से राज सिंह तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। पैसेंजर लगता है तो अपने घर ले जा अपने पैसेंजर को। क्या मतलब? अरे भाई उसकी लेफ्ट बाजू की कलाई पर निशान कहाँ है, फिर उसकी कलाई किधर है? कलाई की बात छोड़ो, उसका बाजू कहाँ है? मैं भी आया। एक टिकट कलकत्ता, प्लीज गिव मी 574 5 पैसे। निशान कहाँ है, फिर उसकी कलाई किधर है? कलाई की बात छोड़ो, उसका बाजू कहाँ है? आमद में बेटी के रिजर्वेशन ऑफिस पर था, वहां मुझे एक आदमी नजर आया जिसकी सूरत मुजरिम से मिलती जुलती थी। उसकी दाढ़ी थी और बायां हाथ नहीं था। तो अमर, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि तुम्हारा बायां हाथ नहीं है। चलो मान लिया, ये लो पर्स, इसे अपनी जेब में रख लो। उस जेब में नहीं, इस जेब में। जब मेरा बायां हाथ नहीं है तो मैं ये पर्स बाईं जेब में नहीं इस जेब में रखूंगा। यही तो मैं कहना चाहता हूं, जब एक आदमी का बायां हाथ ही नहीं है तो वो अपना बटुआ बाईं जेब में रख कैसे सकता है? और कुछ? उस आदमी ने 16 तारीख को कलकत्ता मेल से एयर कंडीशन का टिकट लिया है। कलकत्ता मेल। साइन करो। हाँ तो साहब, अब इस टेबल की बारी है, इसके लिए बोली लगाइए। 4000। इस खूबसूरत टेबल के लिए सिर्फ 4000 रुपए? 5000 5000 5000 7000 7000। और कोई सज्जन? 7001 7002 7003। इस सूट वाले साहब के लिए ये खूबसूरत टेबल सिर्फ 7000 रुपए में बिक गया। पापा, पापा, पापा,
होंगे दोनों बेटे। पापा पापा यार भी मेरे खिलौने ले जाना चाहता है, रोकी ना पापा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चौधरी साहब, लेकिन मैं समझता हूँ। गुड्डू बेटे अंकल को खिलौने दे दो। नहीं पापा मैं नहीं दूंगा। नहीं बेटे ऐसे। अंकल आप ये मेरे खिलौने ले लीजिए अंकल, गुड्डू के खिलौने छोड़ दीजिए। ओह बेटे देखा बेटे, वंशी कितना समझदार है, वो जानता है ये अंकल तुम्हारे ये खिलौने उन बच्चों के लिए ले जा रहे हैं जिनको इन खिलौनों की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। तो देखो बेटे आज के बाद हम ये खिलौनों की दुनिया छोड़ ही देंगे, जीती जागती दुनिया में जाएंगे दोनों बाप और बेटा। हम तुम्हें असली रेलगाड़ी बस स्कूटर रिक्शा सब दिखाएंगे। पापा क्या आप पंछी को भी ले जाएंगे? हाँ बेटे चलो अब अपने हाथ से खिलौने अंकल को दे दो। स्टेशन प्लीज। मनमोहन और प्रीति जेल से भाग गए। लेकर तुम पुरानी जगह पे आ जाओ, अगर तुम नहीं आओगे तो हमें पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देना पड़ेगा। मनमोहन अब देखिए वो क्या करता है। चल जाएगा कि मन भी उसका बाप है। जरा संभल कर कदम उठाना। अरे छोड़ो डार्लिंग, साले को उसकी नानी याद दिला दूंगा। इस पैसे में तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उसको। वो कैसे? इस पिस्तौल की छह गोलियां उसकी खोखली खोपड़ी में भर दूंगा।
ओके राज सिंह, तुम्हारा तमाशा खत्म हो चुका है, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। यहीं कहीं से पार किया होगा। यादव तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूं। ओके Thank you.
9 लाख रुपए ये आलीशान बंगला सिर्फ 9 लाख रुपए में। और कोई साहब बढ़िए बोलिए। 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए 1 9 लाख रुपए 2 9 लाख रुपए 3 ये आलीशान बंगला भाई साहब के नाम पे 9 लाख रुपए में नीलाम हो चुका है। इससे ज्यादा इस पुराने मकान के लिए कौन देगा शोनू? चलो सुनो, अपनी पिछली जिंदगी के साथ ये आखिरी तार भी टूट गया है, चलने की तैयारी करो। सर इस पे जरा दस्तखत कर दीजिए। अब और क्या बाकी है भाई? ये मकान के पेपर हैं चौधरी साहब, खरीदार के दस्तखत हमारे रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। खरीदार? मैं? जी हाँ चौधरी साहब, आप इस मकान के मालिक हैं। क्या? जी हाँ, राज सिंह मारा गया और आपकी रकम हासिल की गई। ले लीजिए। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूं। अमर, क्या एक भूल के लिए इतनी बड़ी सजा दोगे मुझे? तुम सिर्फ इंस्पेक्टर गिल हो और मैं चौधरी साहब? मैंने एक बार तुम्हें पहचानने में गलती की थी, लेकिन गीता का तो कोई दोष नहीं। गुड्डू और बंसी ने तुम पे विश्वास किया, उनकी तो कोई भूल नहीं, तो फिर मेरे साथ साथ उन सबको क्यों सजा दे रहे हो तुम? अमर, गीता मेरी बहन है, क्या एक भाई को प्रायश्चित करने का मौका नहीं दोगे? यहाँ हो बेटे, जरा देखो तो तुम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। रहे